अगर आप स्नैपचैट यूजर हैं, ऐसे में अगर आप चाहते हो अपने स्नैपचैट अकाउंट पे पास की को सेटअप करना, इनेबल करना एंड उसको अदर डिवाइसेस में यूज करना, तो आप कैसे कर सकते हैं इस न्यू अपडेट है, इस वीडियो सबसे इजी तरीका बताने वाला हूँ। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो अंत तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता पास की क्या होता है, कि हम जब भी किसी भी डिवाइस में लॉग इन करते हैं अपना कोई भी अकाउंट, तो हमें क्रेडेंशियल्स ये होते हैं, उसका आईडी, यूजर आईडी या फिर पासवर्ड। तो यहाँ पे अगर आपको बार बार पासवर्ड याद नहीं रखना, तो आज के डिवाइस में हर जगह हमारे पास बायोमेट्रिक्स होते हैं, हमारे फेस आईडी, फिंगरप्रिंट, तो आप जो है उनकी मदद से उस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसमें अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम निवेश करते हैं, हम चलते हैं स्नैपचैट की तरफ, कि कैसे आपको पास की इनेबल करनी है एंड इजीली उसको सेटअप करना है। आ चुका हूं स्नैपचैट पे, जैसे मैं ओपन करूंगा इसके बाद आपको जाना है सिंपली यहां पे अपने अकाउंट के ऑप्शन पे। जैसे ही आप इधर आएंगे तो आपको इधर ऑप्शन कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आपको इसके लिए जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे। जैसे आप टैप करेंगे तो आपके सामने टर्न ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको जो यहां पे ढूंढना है पास की का ऑप्शन, जैसे आप देखेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नीचे पास की, जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आप पासकोड से, टच आईडी से एंड फेस आईडी से भी अपना जो है अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। आपको पासकोड की कोई भी जरूरत नहीं है, पासवर्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। लिखा हो देखो, गो पासवर्ड लेस विद अ पास की, पास की मेक लॉगिन इन क्विक एंड इजी, कैन प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी। तो जैसे आप यहां पे जो है ऐड पास की के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब आपको अपना फेस आईडी लगा देना है जो भी आपके डिवाइस में। अब अगर चाहते हो किसी अदर डिवाइस पे इसको सेव करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। ध्यान देना, आपको जो भी स्नैपचैट अकाउंट के यहां पे आ रहा हो तभी जो ये काम करेगा। अब जैसे मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं, अब ये जो है फेस आईडी ले लेगा मेरा, दैट इज इट। यहां पे फेस आईडी ऐड हो चुकी है, देख पा रहे होंगे ये टाइम आ चुका है। अब क्या है कि मेरा जो आईफोन 14 प्रो है इस पे जो है सेट हो चुकी है, जैसे वाला फोन है, तो यहां पे मैंने ये चीज कर दी। अब क्या होगा, यहां से मैं बैक चलता हूं एंड इस अकाउंट को फिलहाल मैं यहां से लॉग आउट कर देता हूं। जैसे ही मैं यहां से लॉग आउट कर दूंगा, क्यों नहीं हुआ भाई, हां तो ये लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो जैसे ये लॉग आउट हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉगिन करना है। तो मेरे को जो है, जैसे मैंने लॉगिन करा, देखो तो इस तरीके से फेस आईडी का ऑप्शन आ गया। अब क्या है कि यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा एंड दैट इज इट। अब यहाँ से बिना पासवर्ड एंटर करे ये जो है लॉगिन हो चुका है, देख सकते हैं लॉगिन हो गया है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, आप पासवर्ड के बिना कहीं भी आपको लॉगिन करना है अदर किसी डिवाइस में, चाहे आपको पीसी, लैपटॉप कहीं भी करना है, तो आप पास की मदद से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसको रिमूव करना, तो आपको वहीं जाना है सेटिंग्स ऑप्शन पे एंड पास की ऑप्शन पर जाके इसको जो है कैंसिल का ऑप्शन क्लिक करना है एंड यहाँ रिमूव का ऑप्शन आएगा। जैसे टैप करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो स्नैपचैट के ऊपर पास की ऑप्शन को इनेबल एंड सेटअप। तो दोस्तों, आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे जो आपको स्नैपचैट के ऊपर पास की इनेबल करनी है और उसको यूज करना है अपने अकाउंट के ऊपर। मैं बोलूंगा कि आपको एक मस्ट इनेबल्ड फीचर रखना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी अपना स्नैपचैट अकाउंट लॉग इन करते हैं तो आपको पास की मदद से जो है वो और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है, तो हैसल फ्री आप उसको लॉग इन कर सकते हैं कहीं भी। बताए न्यू अपडेट स्नैपचैट की कैसी लगी, इतना था वीडियो में। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जो करना, शेयर जो करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूं न्यू वीडियो तक के लिए, बाय गाइस, जय हिंद।